आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले सत्र में हमने जो 15वां पाठ है इसका, जो 15वां अध्याय है इस पुस्तक का, वो हमने पढ़ा था, जिसका नाम था पांडवों का विवाह। आज हम उस पाठ के प्रश्न अभ्यास को करेंगे, प्रश्न अभ्यास को देखेंगे तथा उसके जवाबों को लिखेंगे। तो प्रश्न अभ्यास में जो पहला है उसका पहला भाग मौखिक होता है, पहले प्रश्न का, तो मौखिक का हम पहले जवाब लिखेंगे। तो मौखिक प्रश्नों में जो क प्रश्न है वो पूछता है कि महोत्सव कहाँ और क्यों होने वाला था। तो महोत्सव पंचाल देश में होने वाला था। क्यों होने वाला था? क्योंकि पंचाल नरेश की बेटी द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था। महोत्सव पांचाल देश में होने वाला था। उसके बाद जो अगला भाग है इस सवाल का, वो पूछता है कि यह क्यों होने वाला था। तो पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर के उपलक्ष्य में यह महोत्सव होने वाला था। ख प्रश्न पूछ रहा है स्वयंवर में भाग लेने कौन कौन आए हुए थे। तो ख का उत्तर हो जाएगा स्वयंवर में भाग लेने देश देशांतर से राजा महाराजा कर्ण दुर्योधन आदि कुरुवंशीय धन आदि कुरुवंशीय बलदेव व कृष्ण आदि यादव तथा अनेक स्थानों से ऋषि और ब्राह्मण आए हुए थे। अब हम बढ़ते हैं ग प्रश्न की ओर। ग प्रश्न है कि द्रौपदी ने कर्ण के साथ विवाह करने से इनकार क्यों कर दिया। तो जब द्रौपदी ने सुना कि कर्ण सूत पुत्र है तथा राजाओं के चेहरे पर तिरस्कार पूर्ण
फंसी है तो और राजाओं के चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण हंसी है तो उसने कर्ण से विवाह करने से मना कर दिया। अब बढ़ते हैं घ प्रश्न की ओर। घ क्या पूछ रहा है? घ प्रश्न पूछ रहा कि आमंत्रित नरेशों का क्रोध क्यों भड़क उठा और वे एक दूसरे के मुंह की तरफ देखकर क्या कहने लगे। तो इसका उत्तर होगा द्रुपद को एक ब्राह्मण कुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार देखकर आमंत्रित नरेशों का क्रोध भड़क उठा। इसके बाद जो इसका दूसरा भाग है कि वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखकर क्या कहने लगे। तो इसका जवाब होगा वे एक दूसरे के मुंह की तरफ देखकर कहने लगे राजा द्रुपद ने हम लोगों का निरादर किया है, और क्या कहा? इस स्वयंवर में हम लोगों का बड़ा भारी अपमान हुआ है। तो कुल इतनी बातें राजाओं ने कही। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अंग प्रश्न की ओर। अंग प्रश्न पूछ रहा कर्ण ने ब्रह्म तेज की श्रेष्ठता को कब स्वीकार किया। तो जब अर्जुन ने उससे कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं कोई इंद्र या अर्जुन नहीं हूँ, तब उसने कहा, तब जाकर के जो कर्ण है उसने इस चीज़ को माना। किस चीज़ को माना? ब्राह्मण तेज की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। तो अंग प्रश्न का जवाब हम लोग लिखेंगे कि जब अर्जुन ने कहा कि तो इसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले लेते हैं। जब अर्जुन ने कहा हम न तो धनुर्वेद हैं और न इंद्र
किंतु अस्त्र विद्या जानने वाले ब्राह्मण अवश्य हैं, किंतु अस्त्र विद्या जानने वाले ब्राह्मण जरूर हैं। और तुमको हराने के लिए लड़ाई के मैदान में आए हैं, और तुमको हराने के लिए लड़ाई के मैदान में आए हैं। तब कर्ण ने ब्रह्म तेज की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। तो अब बढ़ते हैं हम लोग छह प्रश्न की ओर। छह पूछ रहा, श्री कृष्ण ने क्या कहकर सब नरेशों को शांत किया? श्री कृष्ण ने नरेशों को शांत करने के लिए कहा, हे नरेशों, इस ब्राह्मण कुमार ने धर्म से राजकुमारी को प्राप्त किया है, इसलिए शांत रहें। युद्ध की आवश्यकता नहीं है, युद्ध की अब और आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो मौखिक भाग है वो समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लिखित भाग की ओर। लिखित भाग का जो क प्रश्न है वो पूछ रहा है कि पांडव पंचाल नगर कैसे पहुंचे, वहां वे किसके घर में रहने लगे। तो क का उत्तर होगा, पांडव ब्राह्मणों की टोली के साथ पांचाल पहुंचे, वहां वे एक कुम्हार के यहाँ रहने लगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दो, यानी पहले के लिखित का ख भाग। ख पूछता है हमसे कि राजा द्रुपद ने अपनी कन्या का विवाह किसके साथ करने का विचार किया था, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस प्रकार का प्रबंध किया गया था।
तो इसका अब हम लोग जवाब लिखते हैं। अब हो गया हमारा ख, राजा द्रुपद ने विचार किया था कि अपनी कन्या उसी वीर को दूंगा जो बहुत बड़ा धनुर्धर होगा, जो बहुत बड़ा धनुर्धर होगा। इसके बाद क्या क्या तैयारियां की थी? प्रश्न का जो अगला भाग है वो पूछ रहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस प्रकार का प्रबंध किया गया था। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया था जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर झुकाना बड़ा कठिन था, जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर झुकाना बड़ा कठिन था। उन्होंने एक आकाश यंत्र भी तैयार करवाया था, एक आकाश यंत्र भी बनवाया था जिसके निचले सतह पर एक मछली बनी हुई थी और यंत्र गोलाई में घूमता था। शर्त यह थी कि जो वीर उस मछली की आँख को नीचे रखे पात्र में देखकर बेध देगा उसी का विवाह द्रौपदी से होगा। इस प्रकार जो उन्होंने विचार किया था कि एक धनुर्धर एक वीर को ही अपनी पुत्री के साथ विवाह करेंगे, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये शर्तें रखी थी जिससे कि पता चल जाता कि जो वीर है वो धनुर्वेद है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कठिन कार्य था
एक बहुत ही कठिन शर्त इन्होंने रखा था। तो आइए अब हम लोग ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग प्रश्न पूछ रहा कि स्वयंवर मंडप की सजावट किस तरह से की गई थी। तो स्वयंवर मंडप का जो सजावट है वो हमें पेज नंबर 111 के तीसरे पैराग्राफ में मिलता है। किस कार्य के लिए अत्यंत रमणीक स्थान पर स्वयंवर मंडप बनाया गया? मंडप के चारों ओर दीवार बनाई गई, खाइयाँ खोदी गई, फिर उसमें जगह जगह द्वार बनाए गए, रंगभूमि के चारों तरफ दूध के समान शुभ्र राजभवन मड़ियों से जड़ी हुई उसकी छतें और आंगन, बराबर बराबर जगह पर बने हुए एक तरह के सब दरवाजे, मनोहर सीढ़ियाँ और पुष्पों की मालाओं से सुसज्जित चंदोवे आदि सुंदर और अपूर्व शोभा बिखेर रहे थे। इस प्रकार से जो वो स्थान था उसको सजाया गया था। तो पेज नंबर 111 जो पहला है इस कहानी का पन्ना, उसका जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें ये पूरा आंसर मिलेगा, ये पूरा उत्तर है जो हम लिखेंगे। अब बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। दृष्टद्युम्न कौन था और उसने उपस्थित नरेशों से क्या कहा? तो दृष्टद्युम्न जो है वो द्रौपदी का भाई था। हमारा घ प्रश्न हो गया, इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जो है दृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई था। उसने, ये हो गया हमारा भाग का जो प्रश्न है उसका पहला भाग। दूसरा भाग ये पूछता है उसने उपस्थित नरेशों से क्या कहा। उसने उपस्थित नरेशों से कहा, उपस्थित नरेशगण आप लोग श्रवण कीजिए, यह धनुष बाण और निशाना है, यह धनुष बाण और निशाना है जो इस मछली की आंख बेद देगा, जो इस मछली की आंख बेद देगा, उसी वीर पुरुष को मेरी बहन जयमाला पहनाएगी, उसी वीर पुरुष को मेरी बहन माला पहनाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अंग प्रश्न की ओर, जो पूछ रहा राजाओं की कैसी दुर्दशा हुई, उनकी दुर्दशा देखकर अर्जुन ने क्या किया? कोई भी राजा प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल नहीं हुआ, सबको लज्जित होना पड़ा, यही दुर्दशा देखकर
अर्जुन से बैठा नहीं गया और वो उस तरफ चला गया जहां निशाना लगाना था, यानी कि वो बैठ नहीं पाया और वो उठ करके उस तरफ चला गया जहां पर निशाना लगाने के लिए नीचे पात्र और ऊपर मछली रखी गई थी। प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष रखा हुआ था और बाण रखे हुए थे। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आखिरी भाग की ओर, जो है च, जो प्रश्न है हमारा। च प्रश्न पूछ रहा, सैकड़ों हथियार बंद नरेश राजा द्रुपद की ओर क्यों झपटे, उनकी रक्षा करने के लिए कौन आगे बढ़ा। द्रुपद के द्वारा अपनी कन्या को एक ब्राह्मण विवाह कराने के फैसले से क्रोधित सैकड़ों हथियारबंद राजा द्रुपद की तरफ झपटे। उनकी रक्षा करने के लिए लिए अर्जुन और भीम आगे आए। ये हमारा पहला प्रश्न यहीं समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाएं और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी जिसका स्वयंवर होने जा रहा था, बिल्कुल सही। स्वयंवर में बलदेव और श्री कृष्ण आदि यादव लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था, गलत। श्री कृष्ण और बलदेव को इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि पांडव लोग लक्षागृह में जलने से बच गए हैं, सही। कर्ण विहित धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहा, गलत। कर्ण समझ रहा था कि अब द्रौपदी जीवन भर अविवाहित रहेगी, बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला है, पांडव ब्राह्मणों के साथ किस नगर में जा पहुँचे। पांचाल, द्रौपदी किसके साथ रंगभूमि में पधारी, अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ। कर्ण पांच बाण हाथ में लेकर आकाश यंत्र के पास पहुंचा और निशाना लगाने के लिए तैयार हुआ तो उसी समय सभी राजाओं के मन में क्या विचार आया, यही निशाने को बेध कर वरमाला प्राप्त करेगा। कर्ण को क्रोधपूर्ण हंसी क्यों आई, क्योंकि वो समझता था कि अब द्रौपदी जीवन भर अविवाहित रहेगी। द्रुपद को एक ब्राह्मण कुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार देखकर किसका क्रोध भड़क उठा, आमंत्रित नरेशों का। अब बढ़ते हैं हम लोग व्याकरण भाग की ओर। व्याकरण का पहला है, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। धनुष चलाने में कुशल धनुर्धारी, कन्या द्वारा अपना वर स्वयं चुनने की प्रथा स्वयंवर, विधि के अनुसार विधिनुसार, लाख का बना गृह लाख का बना घर लक्षागृह, लोगों का समूह या तो दल या फिर समूह, दल लिखते हैं बेसिकली हम लोग या फिर टोली लिखते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ये पाठ है ये यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर कुछ नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।